गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, सूरज भी निकल चुका है, थोड़ी देर में बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे और फिर मैं आपको मिलती हूँ शॉप में। ये देखो, ये हमारी सुमित्रा दीदी तैयार हो रही है, आज ये बारात में जा रही है। और दीदी कहाँ जा रहे हो बारात में? जौनपुर। ओ जौनपुर हो, आज तो तुम बहुत ही स्मार्ट लगना छा। चलो तो जाओ तब बारात में है, हाँ मुकुट मिले यार। और क्या, हाँ चोला लिया हम मुकुट है ना, अर्स भी लिया है। अच्छा तो बाय बाय। जय पापा नाई नाई कैसे करते हैं दोनों? हाँ से दो हाँ से। सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी बोलो, सॉरी नहीं सॉरी 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 सॉरी। डॉगी कैसे करते हैं? आनू कैसे रोती है? कैसे होती है आनू? सॉरी अरे आनू आनू कैसे रोती है? जो जरूर आनू उसके हंसता है, आनू कैसे हंसते ना, हंसता कैसा, हंसता हंसता कैसे, हाँ कैसे हंसते? फिर टॉफी मिलेगी, टॉफी मिलेगी, जल्दी बता दो। चीजी चीजी टॉफी दूंगी, टॉफी दूंगी, जल्दी बता। कैसे हंसता आनू, कैसे हंसते हंसते भूल गया? सॉरी बोलो भाई, सॉरी बोलो, सॉरी नाई नाई करो, नाई नाई कैसे होती, नाई नाई ऐसी ऐसी ऐसी। अच्छा चीजी टॉफी खाओगी? टॉफी चीजी तुम, चीजी टॉफी खाओगी? उसका खाना कैसे खाता है, कैसे खाता बाती? टॉफी ना, अरुण ने अच्छी अच्छी बात बताई ना, ये लो टॉफी। बोलो थैंक यू, थैंक यू बोल दो, थैंक यू, थैंक यू बोलो, बाय। अच्छा प्यार कर दो, प्यार कर दो, फ्लाइंग किस करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ओए वो बाबले। हेलो गाइस, मुझे आपसे ना कई दिन से एक बात कहनी थी। मैं सोच रही थी, देखो हमारी शॉप है, मैंने आपको दिखाई रखी है, यहाँ पे कई दफ़े दिखाया है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने डस्टबिन भी रखा है, बाहर में रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी ये भी। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से दिलबाग ले लेंगे या चिप्स ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, खाएंगे और यहाँ बाहर फेंक देंगे, कूड़ा कर देंगे सारा रोड पर। तो ये अच्छी बात नहीं होती ना, आप सबको सफाई रखनी चाहिए। हम लोग घरों की सफाई करते हैं तो हमें भाई अपने बाहर भी तो साफ करना चाहिए, और लोग फेंक देते हैं इधर इतना। आपको क्या कहना है इस बारे में? ये बात तो मैं आपको पहले भी कहने वाला था कि लोगों को समझना चाहिए, जो हमारा देश है, हमारा घर है, हमारी रोड है, हमारी सड़कें हैं, हमें अपने देश को गंदा नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, बच्चों को अभी से आदत डालेंगे तभी तो बच्चे समझेंगे। बिल्कुल। लोग क्या करेंगे, चिप्स खाया बाहर फेंक दिया, गली में फेंक दिया, अपने घर का कूड़ा अपने ही खाली बगल वाले प्लॉट में फेंक रहे हैं, तो वो कूड़ा उड़ के आंधी तूफान में हमारे घर में ही आ रहा है। बिल्कुल। मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां होंगी, बदबू आएगी, हम ही बीमार पड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अभी हाँ। कोविड के सीजन में भी लोगों ने कुछ नहीं समझा, तो फिर कुछ नहीं समझाया जाता। बिल्कुल नहीं। पर फिर भी हाँ। हमारा काम है समझाना। बिल्कुल। आप फिर भी कोशिश करो कि समझाओ बच्चों को, क्योंकि आपकी दुकान में बच्चे आते हैं। हम जितनों से मिलते हैं हम भी कहते हैं कि कूड़ा मत फैलाओ, हमारा देश है। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, पर फिर भी लोगों को नहीं समझ आ रहा। आप समझाने की कोशिश करो ना। मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं तो कहती हूँ, बल्कि मैं ये कहती हूँ बच्चे मान जाते हैं, बड़े ना माने। ये देखिए, ये मैंने डस्टबिन रखा है, ये देखिए, ये डस्टबिन लगा रखा मैंने। और ये देखो मैं दिखाऊंगी निशान, देखो ये दिलबाग के निशान थूक रखे हैं यहाँ पे, वहाँ रोड पे भी थूक रखे हैं, और कितना भी कह लो। हाँ बिल्कुल, ये तो यहाँ पे भी इतना साफ इसलिए कि मैंने मारा झाड़ू, इधर देखे दिलबाग का थूक रखा है, रैपर ये भी किसी ने खाए, वहाँ नाली में देखो कितना गंदा कर रखा। तो ये नालियाँ रुकेंगी तो फिर मच्छर पैदा होंगे, डेंगू मलेरिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को इतना कहते हैं फिर भी मानते ही नहीं। आपके वीडियो के माध्यम से क्या पता कुछ लोगों को समझ आ जाए। बिल्कुल समझना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत से लोग अच्छे भी हैं, बहुत से लोग करते भी, अपने घर के अंदर भी सफाई करते हैं, बाहर भी सफाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं मतलब या तो वो समझना ही नहीं चाहते या कुछ भी कहो, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि हम 50-100 रुपए बचा लेंगे तो हमारी बहुत बड़ी बचत हो जाएगी, पर वो आगे चल के हमारे ही बच्चे बड़े जो भी हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है, ये लोगों को नहीं समझ में आता। पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है, समझना चाहिए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मतलब इतना बताया, मुझे बताया, लोगों को बताया, आपकी सोच बहुत अच्छी है। अब मुझे लगता है कि आप भी अपना घर भी साफ रखते होंगे और अपने घर के बाहर भी आप साफ सुथरा ही रखते होंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद भैया। और देखिए बहुत से लोग तो मतलब कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, अपने घर तो साफ करते ही करते, लेकिन अपने आसपास भी सफाई रखते। हमारे मोहल्ले में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने आसपास की भी सफाई रखते हैं, लेकिन मेरा उन लोगों से ये जो मैं कहना चाह रही हूँ, उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो लोग मतलब कुछ भी बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिनों में नहीं फेंकते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि सफाई है जो वो हमारे लिए ही है। अगर हमारा देश स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, तो हमारे देश का नाम होगा, है ना। और हम सफाई तो देखो सबके लिए अच्छी है, सफाई को
कौन किसी अच्छी नहीं लगती होगी सफाई, हर किसी को अच्छी लगती है। देखो हम अपने घर भी साफ़ सुथरा रखते हैं, चाहते हैं हमारे घर में साफ़ सफाई हो, तो हमें अपने आसपास भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब हमारा घर साफ, जब हमको अपना घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, तो देखो देश कितना अच्छा लगेगा कि सारा हमारा देश साफ़ सुथरा हो, लोगों का कचरा बाहर ना फेंके, अपना डस्टबिन में डालें। और फिर कचरे वाले देखो दूर जाके लेके जाते हैं, वहाँ पे भी वो उसका जो भी करते होंगे, जहाँ भी लेके जाते होंगे, लेकिन ये कचरा वाला भी डेली आता है। तो जब डेली आता है तो हम लोगों को कचरा इकट्ठा करके कचरे वाले को ही देना चाहिए, इधर आसपास में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो उड़ के फिर घरों में ही जाता है, हमारे घरों को ही गंदगी करता है, हम ही लोग फेंकते हैं। फिर ऐसा होता है कि पता चला कि मैंने वो कूड़ा फेंका और बाद में उड़ के मेरे घर में आ गया। तो मैं यही बात सबसे कहना चाहती हूँ, और ये बात मैं खुद पे भी अमल करूँगी, और ये मुझे भी करनी चाहिए, मुझे भी अपने आसपास साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो मैं करूँगी भी। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मैं सभी अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उनसे सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरी कोई भी बात गलत लगे तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और बाकी ये मेरे दिल की बात थी जो मैं कहना चाहती थी, और मैंने आप लोगों से कह दी। और मेरा ना विशेष उन लोगों से अनुरोध है जो गुटखा तंबाकू खाते हैं, प्लीज़ कृपया वो ना कहीं पर यहाँ तहाँ ना थूकें, जिससे कि गंदगी हो। और मेरा उनसे बहुत ही विशेष अनुरोध है। और देखिए मोदी जी कहते हैं और बार बार कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और ये बात जो कहते हैं कोई गलत तो कहते ही नहीं है, और ये उनके लिए ही नहीं है, ये तो हम पे भी लागू करती है। अब देखिए अगर हम लोग एक मोहल्ले से ले लिए, सपोज़ ये हमारा मोहल्ला है और हम अपने मोहल्ले में साफ़ सफाई रखते हैं और हमारा मोहल्ला बिल्कुल साफ़ स्वस्थ है, और हमारे किसी के भी घर में अगर मेहमान आते हैं वो देखेंगे, तो वो देखेंगे इनका मोहल्ला तो बहुत साफ़ सुथरा है। फिर वो अपने जब अपने वहाँ जाएंगे, अपनी जगह पे जाएंगे, तो वहाँ के लोगों से भी कहेंगे कि मैं वहाँ गई थी तो वहाँ का मोहल्ला तो बहुत साफ़ सुथरा था। तो इससे मतलब उनको प्रेरणा मिली है, तो उन दो लोगों से कहेंगे, वो दो लोगों से कहेंगे, वो दो लोग और आगे से कहेंगे, इससे सारे लोग अपना अपना मोहल्ला साफ़ सुथरा रखेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा पूरा भारत ही साफ़ सुथरा रहेगा, और ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, अगर ये नारा हर एक व्यक्ति के मुँह पर हो, बाहर वालों के मुँह पर हो, तो कितनी गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। तो अगर मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और ये मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया साफ़ सफाई बनाए रखें, अपना मोहल्ला साफ़ स्वस्थ रखें। और ये देखिए मैंने कुछ पिक्स डाली हैं हमारे मोहल्ले में, ये सफाई का अभियान संडे को डेली होता है, नागिन सकलानी समिति के मेम्बर्स जो लोग हैं वो लोग हर संडे को यहाँ पर सफाई करते हैं। ये देखिए शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये देखिए शाम का टाइम है, ये बच्चे सामान लेके जा रहे हैं, और मैं फिर से शॉप में आ चुकी हूँ शाम को भी। आ गए खेल के, क्या खेल गया है? फुटबॉल दिखाना जरा, अपनी फुटबॉल कैसी है? फुटबॉल किसकी है ये? देख आराम से ये तो देख लो, कम से कम रोड में हो तुम। किसकी है ये फुटबॉल? आता भी तुम्हें खेलना ही ऐसी बस टाइम पास। कहाँ है भंडारी? भंडारी को खेलना आता है? लंदन की है तो। लंदन की? और ये देखो ये इनकी लंदन की बॉल है भंडारी की। कौन लेके आया? उसकी बुआ ने दिया। अच्छा बुआ ने दिया, गुड। सबसे ज्यादा गोल मारे मैंने आज, पहली बार, मैं तीसरी बार मैं। बोलो ए छोटी, अक्सियन मोल ऊपर है, और मैं भी अब ऊपर जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। बोलो जी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर खाना बनाने। और गाइस खाना बन चुका है, बच्चों ने खाना खा लिया है, और अभी ये अनमोल के पापा आएंगे, फिर मैं भी खाना खाऊंगी, और अब मिलते हैं हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट्स करते रहिए, जिससे मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे कि हाँ मतलब कोई भी गलती हो कुछ हो तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं अपने वीडियोस में सुधार ला सकूँ। और गाइस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।